हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 12 के जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए थे उनको मैं डिस्कस करूंगा। इससे पिछले वाले पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 12 चालू किया था, जिसमें 50 मिनट्स के आसपास का वीडियो बन गया था, तो वो थोड़ा लॉन्ग जा रहा था, इसलिए ये सेकेंड पार्ट है जो मैं अभी आपके लिए बना रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले इसमें जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हेडिंग नंबर 7 आ रही है, जिसका नाम है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि भैया ऑडिट एविडेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस में सर पहली बात समझिए, जो एविडेंस होते हैं, मतलब एविडेंस मतलब सबूत, ठीक है सर। इसके बारे में ऐसे भी है, हम बाद में पढ़ेंगे ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, तो वहाँ पे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं हल्का सा हिंट देता हूँ कि भैया जो एविडेंस होंगे, सबूत होंगे, उसके बेसिस पे एक जो ऑडिटर होगा वो कंक्लूजन लेगा। कंक्लूजन्स मतलब निर्णय लेगा। क्या लेगा? निर्णय। और उन निर्णय के बेस पे वो ओपिनियन लेगा। क्या लेगा? ओपिनियन। ओपिनियन मतलब होता है राय देना। कंक्लूजन मतलब निर्णय लेना, और निर्णय के बेस पे वो अपनी राय पेश करेगा कि भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी दिख रही है। और इस ओपिनियन को वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में देगा, जिसको हम कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट नहीं है, ये ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है दोस्त। ओके, फिर आपको पता होना चाहिए कि ये जब भी वो कलेक्ट करता है तो ये हमेशा सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए। तो इसमें मैंने आपको बेसिक क्लास दी थी, बेसिक में मैंने आपको सिखाया था कि भैया सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट का क्या मतलब होता है। शॉर्ट में मैं यही बोलूँ कि सफिशियंट मतलब होता है क्वांटिटी, एंड अप्रोप्रिएट मतलब होता है सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट, ठीक है सर। सफिशियंट होता है क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट होता है क्वालिटी। तो इस पे ओवरऑल हमने जो बहुत सारी थी, हमने बात की थी कि भैया सफिशियंट अप्रोप्रिएट हमेशा क्वालिटी एंड क्वांटिटी को शो करता है। तो सर अप्रोप्रिएट की जब हम बात करें तो ये हमेशा रिलेवेंट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? अप्रोप्रिएट यानी रिलेवेंट एंड रिलायबल, ठीक है। अब इसके बारे में मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है आपको? अगर बेसिक क्लास हो तो, नहीं हो तो सर आप क्या करो, आपने नोट्स लिखे होंगे इसके मेरे बारे में। वो रिलेवेंट यानी जिस मुद्दे से रिलेटेड मैं मांग रहा हूँ वो मुझे शो करो। रिलायबल मतलब जिससे मैंने मांगा है वो ही शो करे, कोई और करेगा तो मुझे उस पर भरोसा नहीं आएगा। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी 15 मिनट की डिस्कशन, बेसिक के जो मैंने दो लेक्चर बनाए थे, याद आ रहा है ऑडिट वाला, उसमें मैंने डिस्कस किया था। नहीं आ रहा तो एक बार कॉपी चेक कर लें, वो भी नहीं याद आ रहा तो वीडियो एक बार प्ले कर लें। आपको ऑडिट की प्लेलिस्ट है सर, और GST की भी प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सर, वहां से आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे, ठीक है सर। तो जब आप ये एविडेंस का कलेक्शन का प्रोसीजर करोगे, जब ये जो एविडेंसेस हैं आपके, एविडेंसेस जो आपके एविडेंसेस हैं, जब आपके कलेक्शन का एविडेंस जो है, इनके जब आप कलेक्शन का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एविडेंस के कलेक्शन का जब आप प्रोसीजर को फॉलो करोगे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे दो टाइप के प्रोसीजर होते हैं। क्या होता है? दो टाइप के प्रोसीजर होते हैं। एक होता है कंप्लायंस प्रोसीजर, एक होता है कंप्लायंस प्रोसीजर, और एक होता है दोस्तों सब्सटेंसिव, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। दोस्तों कई बार तो आपके एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि भैया इन दोनों के वर्सेस बताओ, लेकिन फिलहाल हमारा उद्देश्य है इन दोनों के प्रोसीजर को समझना कि भैया ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए हमें कौन-कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना है, ठीक है सर। अब इसके बारे में भी हम चैप्टर नंबर 3 और 4 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ ब्रीफ नॉलेज में दे रहा हूँ आपको। सर कंप्लायंस प्रोसीजर क्या होता है? कंप्लायंस का मतलब क्या होता है सर, पहले तो ये समझो। कंप्लायंस का मतलब है एज इट इज फॉलो करना, एज इट फॉलो करना, मतलब जैसा है वैसे ही आप फॉलो कर रहे हो क्या, तब आपको मिलेगा। और इसमें हम सर देखते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या देखते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब वहां पे कंट्रोल कैसा है मैनेजमेंट का, TCWG का, इसके हम टेस्ट करते हैं कि भैया वो आप कह रहे हो कि भैया जिसकी लाठी उसकी भी भैंस, तो क्या आपकी जो लाठी है आपकी भैंस को डरा भी पा रही है? मेरा वर्ड सुनना सर, जिसकी लाठी उसका भैंस, तो भैंस को क्या आपकी लाठी डरा पा रही है? अगर आपकी लाठी उस भैंस को डरा पा रही है तो इसे हम कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो उस टेस्ट को चेक करेंगे कि आपकी लाठी में कितना दम है, दैट इज कंप्लायंस प्रोसीजर। तो सर इसकी लॉ की लैंग्वेज में आपको रटवाता हूँ, ठीक है, रटवाता हूँ यानी सिखाता हूँ दोनों। तो सर इसे आप इस तरीके से लिखेंगे, दीज आर दी टेस्ट डिजाइंड टू ऑप्टेन,
डिज़ाइन टू ऑप्टेन। डिज़ाइन किस लिए किए गए हैं? टू ऑप्टेन, ताकि हमें मिल सके। क्या मिलना है सर? रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस, सर याद है आपको रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है? मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि मेरे दिल को तसल्ली तो मिले। एक खुदा उस खुशनसीब से मिला कि मेरे दिल को तसल्ली तो मिले। क्या रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए सर? दैट की दोज इंटरनल कंट्रोल ऑन विच रिलायंस इज टू बी placed are in effect। ठीक ना, मतलब समझाता हूं मैं आपको। दोज आर जो कि इंटरनल कंट्रोल ऑन विच, जिसमें कि रिलायंस मतलब होता है भरोसा, इज टू बी प्लेस्ड आर इन इफेक्ट। अब मैं इसका पूरा मतलब समझा। दीज आर द टेस्ट डिजाइन, मतलब हमने क्या किया है, नमूने और ढांचे तैयार किए हैं। टेस्ट और डिजाइन मतलब जो डिजाइन बनाया है उन्होंने इंटरनल कंट्रोल का, उसको हम टेस्ट करने वाले हैं। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हम भैंस पर लठ मार के देखने वाले हैं कि भैंस इस डंडे से डरती है या नहीं है। टू ऑप्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ताकि मेरे दिल को तसल्ली मिले कि वहां का मैनेजमेंट स्ट्रांगली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दैट क्या चेक करना है हमें? दैट दोज इंटरनल कंट्रोल, कि वहां पे चलने वाली कार्य प्रगति जो है, कार्य की जो प्रोसेस है, वो ऑन विच रिलायंस, जिसपे मैं भरोसा करने जा रहा हूँ, इज टू बी प्लेस्ड आर इन इफेक्ट। जो मैं भरोसा करने जा रहा हूँ, क्या वो इफेक्टिव भरोसा है या नहीं है? लेट सपोज भैया आप रास्ते में जा रहे थे, रात में बहुत ज़्यादा सुनसान एरिया था, तो आपने दो लोगों से पूछा। एक शराबी था, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अल्कोहलिक, स्पेलिंग तो मुझे आती नहीं, आपको सबको पता है। और एक बंदा था जो छोटा सा बच्चा था, ठीक है, बच्चा, ठीक है, किड। तो अब आप किसकी बात पे मानोगे? ये तो सर माइनर है और ये लुनेटिक है, लेकिन फिर भी आप बच्चे की बात को मान लोगे, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो दैट इज दोज इंटरनल कंट्रोल ऑन विच रिलायंस इज टू बी प्लेस्ड, मतलब मैं प्लेस मतलब होता है रखना। तो हम क्या, मैं इस पे भरोसा रख सकता हूँ इंटरनल कंट्रोल पे, जो कि वहाँ पे आर इन इफेक्ट, जो वहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है सर, ये बहुत प्यार से मैंने समझाने की कोशिश की, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा इसे याद रखने के लिए। फिर सर आपको अगला याद करना है सब्सटेंसिव प्रोसेसर। सर सब्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? पहले तो समझो सर, साइंस में आपने वर्ड सीखा होगा सब्सटेंस। सर उस सब्सटेंस वर्ड का मीनिंग होता है मैटर। क्या होता है? मैटर। तो इसमें सर आप कहोगे दीज आर दी टेस्ट्स डिजाइंड टू ऑप्टेन एविडेंसेस एज टू सी ए वी ऑफ द डाटा प्रोड्यूस्ड बाय अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है सर, और ये सी ए वी की फुल फॉर्म आपको याद दिला दूं, सी से मैंने आपको बताया था कंप्लीट, ए से मैंने आपको बताया था एक्यूरेट, कहाँ बताया था भैया, बेसिक लेक्चर याद करो, और वी से सर मैंने बताया था वैलिड। ठीक है, इसका मैंने आपको बोला था वी सी ए, मतलब हम लोग सी ए कोड दिया था मैंने आपको वी सी ए। तो सर ये क्या कह रहे हैं? दीज आर दी टेस्ट, ये वो टेस्ट हैं डिजाइंड, जो कि हम पैमाना या फिर आंकड़ा तैयार करते हैं टू ऑप्टेन एविडेंसेस, सबूतों को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और वो सबूत हमारे लिए क्या है? एविडेंसेस। एज टू, जिससे कि हम पता लगा सकें कि चीज़ें कंप्लीट रिकॉर्ड हुई हैं, चीज़ें एक्यूरेट रिकॉर्ड हुई हैं, चीज़ें वैलिड रिकॉर्ड हुई हैं। ऑफ द डाटा प्रोड्यूस, जो भी डाटा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको लेकर, ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अब दोबारा से समझना, अब उल्टा समझते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम से डाटा प्रोड्यूस हुआ, अब वो डाटा प्रोड्यूस अगर कंप्लीट है, एक्यूरेट है, वैलिड है, अब इन तीनों बातों को परखने के लिए और समझने के लिए जो भी एविडेंसेस को हम क्या करने वाले हैं? ऑप्टेन करने वाले हैं। और इस ऑप्टेनिंग के लिए जो भी हम डिज़ाइन करने वाले हैं टेस्ट को, उसको हम बोलते हैं सब्सटेंसिव प्रोसेसर। बस जी, इससे ज़्यादा मैं डीप में नहीं ले जा पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास भी टाइम की कमी है और आपको भी बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है सर, ओके सर, इसमें 8th पॉइंट आता है, दैट इज अकाउंटिंग सिस्टम, that is accounting system
एंड इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। अब इसमें इसका एक ही लॉजिक समझना है, वो ये कि अगर अकाउंटिंग सिस्टम अच्छा है तो ऑब्वियसली इंटरनल कंट्रोल भी अच्छा होगा। मतलब वहाँ काम करने के तरीके कैसे होंगे, इंटरनल कंट्रोल का फिलहाल मतलब क्या समझो, कि वहाँ का काम करने का तरीका कैसा होगा, मैनेजमेंट लोगों से कैसा काम करवा रखा होगा। दूसरे शब्दों में अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो अकाउंटिंग सिस्टम अपने आप में CA भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं कि अगर अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल खराब तो अकाउंटिंग सिस्टम खराब हो जाएगा, इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो अकाउंटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा। बस इसका यही लॉजिक है सर, इससे ज़्यादा ना दिमाग लगाएं इसमें। सर नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है सर। ऑडिट का कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, कंक्लूजन मतलब अभी मैंने आपको एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट में मैंने बताया कि भैया पहले तो एविडेंस आते हैं, एविडेंस के बेस पे कंक्लूजन आता है, याद आ रहा है, कंक्लूजन के बेस पे ओपिनियन आता है और उस ओपिनियन के बेस पे हम रिपोर्टिंग करते हैं। इस सीरीज को हमेशा याद रखना सर। तो मैंने सब कुछ चेक कर लिया, अब मैं कंक्लूजन देखूंगा कि मुझे अकाउंटिंग में कंक्लूजन कैसे देना है ऑडिट को लेके, और फिर मैं उसकी रिपोर्टिंग करूंगा, ठीक है सर। बहुत सिंपल सा है, आप इसे खुद से ही बना सकते हैं। और इसी को सर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं दोबारा से लिखना चाहूँगा, आपके लिए छोटा सा चार्ट बना दो, इसमें आप इसी को लाइन में कन्वर्ट कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। सबसे भैया पहले ऑडिट का प्रोसीजर होता है, ऑडिट का प्रोसीजर क्या होता है इसके लिए मुझे टाइम दे। और मैंने ये अभी अभी आपको ऑडिट के प्रोसीजर बताए थे, याद आ रहा है कौन कौन से, अभी तो बताया भाई, कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर। इस प्रोसीजर के बेस पे एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाएगा, एविडेंसेस को क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। इनके बेसिस पे मुझे ड्रॉ करना होगा कंक्लूजन्स, ड्रॉ करना होगा कंक्लूजन्स, और इन दोनों को ही मैं क्या कहता हूँ, ट्रू एंड फेयर व्यू देना होगा मुझे इन पे, ट्रू एंड फेयर व्यू मुझे देना होगा कि भैया एविडेंस अच्छे हुए या कंक्लूजन अच्छा आया कि नहीं आया, ट्रू एंड फेयर व्यू देना होगा मुझे। और फिर इसी में सर ये लिखना है, ये सारी बातें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये इस मैटर में इस हेडिंग के अंदर यही बातें लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, रिव्यू करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, रिव्यू करोगे। रिव्यू क्या करोगे कि भैया जो मैंने कंक्लूजन निकाला, जो मैंने एविडेंस लिए, ये ठीक थे कि नहीं, रिव्यू करूंगा एंड असेसमेंट करूंगा, एंड असेसमेंट ऑफ द कंक्लूजन कि भैया जो मैंने निर्णय लिया है क्या वो सच में सही है, क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है डिसीजन लेते समय, तो इन चीज़ों का मुझे ख्याल रखना होगा। उसके बाद क्या करूंगा सर, फॉर्म एन ओवरऑल, फॉर्म एन ओवरऑल कंक्लूजन। फिर मैं पहला चेक तो ये किया मैंने, फिर ये किया, इसी को दोबारा से एडिट किया, फिर इसी के बेसिस में ओवरऑल कंक्लूजन को मैं क्या कर दूंगा, ड्रॉ कर दूंगा, एज टू वेदर किन बातों से रिलेटेड करूंगा सर, मैं अब अपने डिसीजन को रिलेट करूंगा, डिसीजन को सर रिलेट करना है सर, बहुत लंबा चार्ट बनेगा, प्लीज़ अच्छे से बना लेना मेरे साथ। एज टू वेदर, वेदर क्या सर, इस वेदर में सर मेरा तीन बातों का ध्यान रखना मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का, कि ये जो बनी है चीज़ें, ये जो वो दिखा रहा है अकाउंट मुझे और जो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, वो DPS स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, क्या कि जो मैं दे रहा हूँ ऊपर कंक्लूजन, क्या वो DPS स्कूल जाता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल, DPS स्कूल जाता है। तो सर डी से सर क्या आता है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर, एडिक्वेट डिस्क्लोजर, क्या ये एडिक्वेट डिस्क्लोजर शो करता है, क्या ये प्रॉपर पॉलिसीज जो हैं वो शो करते हैं, क्या ये कोई भी कानून की जो भी रिक्वायरमेंट है, कानूनी रिक्वायरमेंट, स्टे टू टोरी, याद है मैंने आपको याद करने के लिए बताया था स्पेलिंग को, स्टे टू टोरी, क्या ये इसको पूरा करने के लिए मदद करता है, क्या ये तीनों चीज़ें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो सबूत मैंने इकट्ठा किए हैं, क्या ये इन तीनों को बयां करते हैं, अगर हाँ तो ज़रा इसके बारे में लिखिए। इसमें लिखिए सर ऑल मटेरियल डिस्क्लोजर में, क्या ऑल मटेरियल मैटर्स, ऑल मटेरियल मैटर्स रिलेवेंट टू प्रॉपर प्रेजेंटेशन, टू प्रॉपर प्रेजेंटेशंस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या सर ऑल मटेरियल मैटर्स की वो सभी बातें
जो कि जरूरी है। रिलेवेंट मतलब होता है जरूरी होना, किससे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन की, हम सही से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या नहीं, किसकी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। वो सारी एडिक्वेट डिस्क्लोजर हमने दिए हैं क्या, वो हमने सही से डिस्क्लोजर दिए हैं। पॉलिसीज में हमें सर क्या देखना है कि पॉलिसीज जो हम फॉलो करने जा रहे हैं, पॉलिसीज जो हमेशा फॉलो करने जा रहे हैं वो ऑलवेज एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल यानी हमें उसे स्वीकृति लेनी चाहिए कि क्या वो लॉ के नज़रिए से एक्सेप्टेबल है, क्या हम सही पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद जो पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी, क्योंकि एक पॉलिसी जो आज फॉलो की उसी को आगे फॉलो करना है ताकि कंपैरिजन आगे में अच्छा हो सके। कंसिस्टेंसी का सर एक और मीनिंग होता है इंग्लिश में, इसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट यूज़, ठीक है, लगातार यूज़ करना। उसके बाद स्टेचुरी रिक्वायरमेंट आप सभी जानते हैं, कानून की सभी बातों को हमें फॉलो करना है। फिर इन तीनों को बातों को मद्देनज़र रखते हुए, इन तीनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपको कंक्लूजन देना है। क्या देना है, कंक्लूजन, कंक्लूजन आपको क्या करना है, ड्रॉन करना है, ठीक है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि मैं किस बिजनेस के बारे में कर रहा हूँ, क्योंकि हर बिजनेस से अलग अलग, एक ही संदर्भ में, एक ही सरकमस्टांस में हर बिजनेस पे लिया गया डिसीजन अलग होता है। इसलिए कंक्लूजन जब ड्रॉन करते हैं तो हमें नॉलेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है सर। इसके बारे में मैं आपको इंटरनल कंट्रोल के टॉपिक में और ज़्यादा डीपली बताऊंगा, ठीक है। अब इस पूरे ओवरऑल सिस्टम के बेसिस पे जो मैंने अब तक चेक किया, मैं ओपिनियन को क्या कर दूंगा, ड्रॉन कर दूंगा। और इसी के बेस पे मैं क्या करने वाला हूँ सर, एक्सप्रेस इन ऑडिट रिपोर्ट, एक्सप्रेस इन ऑडिट रिपोर्ट, मतलब इन सभी बातों को मैं ऑडिट रिपोर्ट में क्या करूँगा, शो कर दूंगा। अब इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मुझे क्या करना है, क्लियर रिटर्न एक्सप्रेशन, ठीक है, क्लियर रिटर्न एक्सप्रेशन, मतलब साफ साफ शब्दों में मैं लिखा हुआ एक्सप्रेशन बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि मेरी सोच में, मेरे दिलो दिमाग में, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें आ रही है। क्लियर रिटर्न एक्सप्रेशन मतलब जो भी चीज़ें हैं रिटर्न में वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है, लिख के दिख दूंगा सर। पहली बात क्या है, रिपोर्ट हमेशा कैसे होनी चाहिए, रिटर्न फॉर्म में। इसलिए क्या लिखा है, क्लियर, साफ साफ, रिटर्न मतलब लिखित एक्सप्रेशन, अपनी सोच, अपनी जो थीम मेरे दिमाग में आ रही है इससे ओवरऑल वो बताऊंगा। फिर जो भी कानूनी कार्यवाही है, दैट इज स्टेचुरी, स्टेचुरी सबसे मस्त लगता है सर, स्टे टू टोरी, स्पेलिंग गलती की टेंशन नहीं, स्टे टू टोरी रिक्वायरमेंट। तो जो कानूनी कार्यवाही है उसको मैं शो करूंगा। तो कानूनी कार्यवाही में सर सबसे पहली बात, कंपनी एक्ट को मुझे फॉलो करना है, कंपनी एक्ट 2013 को, प्लस मुझे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट फॉलो करना है। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट के अंदर से तीन रिपोर्ट जाती हैं, तीन तरीके से, SO 700, SA 705 और SA 706। इन सब के आगे ऐसे 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 लिख देना है आपको, ठीक है। और उसके बाद फाइनली, अगर इफ मोडिफाइड ओपिनियन, हो सकता है कि मेरा ओपिनियन जो है मोडिफाइड हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं रीज़न दूंगा कि मैं अपने डिसीजन को मोडिफाइड क्यों कर रहा हूँ, ठीक है सर। अब एक आध वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, जैसे SA 700 क्या है ये भी आ रहा होगा, SA 705 क्या ये भी माइंड में आ रहा होगा, SA 706 क्या ये भी आ रहा होगा, मॉडिफाइड ओपिनियन क्या है ये भी आ रहा होगा। तो सर सबके लिए मुझे टाइम दे, ओवर द पीरियड आपका ऑडिट का सिलेबस एंड होते होते मैं सब कुछ फिनिश कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब फटाफट सर, फटाफट मेरी बात को छुनो आप सब। सबसे पहली बात कि भैया आपको मेरा ब्रॉडकास्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, उसमें मैं ये क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा। इसी बात को जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पे, मैंने प्रिंट आउट फॉर्म में मतलब बुक बना के रखी हुई है, सारी आप पढ़ लेना, सब वही है जो मैंने आपको समझाया। अब आपको करना क्या है, टेली ब्रॉडकास्ट पे जाओगे, लिंक होगा सर, कहाँ पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे जो है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन होंगे ग्रुप के, उस लिंक पे एक बार क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होने वाला है, आप उस ग्रुप में एंटर हो जाओगे। ग्रुप में पहुंचते ही सर एक वर्ड दिखाई देगा ज्वाइन, उसे क्लिक करना, अंदर आ जाओगे। मुझे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हो, कहीं भी ज्वाइन करते हो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपको ये सब समझने मजा आया हो तो सर प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने व्यूज लिखिए, ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन मिले कि मेरा हार्डवर्क कुछ फ्रूटफुल हो रहा है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। लगे रहिए, बने रहिए और झकास बिंदास धकास खूब सारा पढ़ते रहिए। जय जिनेन्द्रा, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।